हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट इसमें 235 डिवाइड 1, देखो ऊपर हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, तो जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहता है, तो ये हो जाएगा 235 सेम रहेगा। ठीक है, बी पार्ट है 418, यानी कि 418 को 418 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 0 नॉन जीरो नंबर, ठीक है, नॉन जीरो नंबर। सी क्वेश्चन, 983 डिवाइड, यहाँ पे लिखा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब आएगा, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। 0 डिवाइड 729, तो जब 0 को 729 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर्टी है डिवाइड की, डिविजन की, कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों को करने का जो मेथड है वो ये है कि जो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे उसके बाद बाहर सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज है हमारी 5.2.5, एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है क्वेश्चन, इसमें सेकंड का ए पार्ट है 472 माइनस 472 डिवाइड बाय 1, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इक्वल 472 माइनस, किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आता है, तो ये हो जाएगा 472 इक्वल, इसको सोल्व कर लिया तो कितना आया 472, 472 माइनस 472 तो 0, दैट्स आंसर। ठीक है, बी पार्ट 746 प्लस ब्रैकेट 0 डिवाइड बाय 10, सोल्व करेंगे 746 प्लस 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, प्रॉपर्टी समझाई थी हमने, और 0 को जब हम 746 में ऐड करेंगे तो 746 ही रहेगा। ठीक है, आंसर सी पार्ट 94 464 डिवाइड बाय 288 माइनस 32, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इक्वल 94 464 डिवाइड बाय दिस, इसको सोल्व कर लेंगे, 288 में से पहले माइनस कर देंगे 32 को, तो माइनस करेंगे तो 256, अब 256 से 94,464 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इसको डिवाइड इस तरीके से कर लो, 94,464 को डिवाइड करेंगे 256 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल पड़ जाएगा 3 टाइम 4 टाइम तो नहीं पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 3 टाइम टेल पड़ेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 256 में करेंगे, 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 कैरी का है 16 कैरी 1, 3 2 6 6 और 1 7 लेस कर देंगे तो 14 में से 8 लेस करेंगे तो बोलेंगे 6 और 13 में से 6 लेस करेंगे तो बोलेंगे 7 और यहाँ पर 5,
पुट करेंगे 6 को। अब टेल पढ़ेंगे तो 8 टाइम 2 8 जा 16, बट यहाँ 5 भी है तो हम इसका टेल पढ़ेंगे 5 टाइम। सो 6 7 8, 7 टाइम यदि हम पढ़े तो 14, और 7 टाइम यदि इसका पढ़ेंगे तो 300 ये हो जाएगा, और 1400 तो एक हो गया, 2 से 14 1400 तो एक हो गया, और ये हो गया 6 टाइम 7 टाइम पढ़ेंगे 350, नहीं तो 6 टाइम्स का टेबल पड़ जाएगा, 6 6 जा 36 कैरी 3, और 6 5 जा 30 और 33 कैरी 3, और 6 2 जा 12 और 3 हो जाएंगे 50। ऐस कर देंगे 0 3 2 2 30, और नीचे पुट कर लेंगे 4। अब टेबल पढ़ेंगे 2 का टेबल, तो यहाँ पे लगभग आएगा 9 टाइम, 9 6 जा 54 कैरी 5, और 9 5 जा 45 और 5 50 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23। लेस करेंगे तो 0 बचेगा, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 369। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 369, ये आपको रफ कर लेना है, ठीक है, या साइड में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, डिवाइड एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसको चेक करेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 45,683 को डिवाइड करेंगे 49 से, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इसको डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, ऊपर हमने यहाँ पे बताया था आपको, डिवीजन एल्गोरिथम में ये होता है डिवाइड एंड इक्वल टू के, के इज क्या है हमारा डिविजर है, और क्यू जो है वो क्वेशेंट है, और आर रिमाइंडर है, तो इसको चेक करेंगे बाद में, ठीक है, सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से आपको जो है आगे के पार्ट करने हैं, हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 3, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन था 45,683 डिवाइड बाय 49, 49 से डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे इस पर, तो ये टेबल यहाँ से पढ़ेंगे हम अगर 9 टाइम, 9 9 जा 81, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 कैरी 8, और 9 4 36, 36 और 8 44, टेस्ट करेंगे तो 5 और 1 15 बचेगा, पुट कर लेंगे 8 को, फिर टेल पढ़ेंगे तो लगभग 3 टाइम्स टेल पड़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, 3 9 जा 27 कैरी 2, और 3 4 जा 12 और 2 14, टेस कर देंगे तो 1 और 1, 3 को पुट करेंगे 49 का टेबल लिखेंगे 113 पे, तो ये 2 टाइम, 2 9 जा 18 कैरी 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, लेस कर देंगे 5 और 1, तो 15 हमारे रिमाइंडर हो गया, और 9 32 ये क्वेश्चन, और 49 जो है वो डिवाइड है, तो इसको एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसको चेक करेंगे। नाउ बाय
डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा है यहाँ पे 45,683 इक्वल टू डिविजर, डिविजर है 49 इंटू परसेंट, परसेंट हमारा है 932, तो 932 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 15। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके हमारा जो आंसर है वो 45,683 ही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45,668 प्लस 15, ऐड कर लेंगे 45,668 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45,683। ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी सिमिलरली आपको बी पार्ट, सी और डी ये आपको करना है। ठीक है,